फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिजाइनिंग ने पॉप स्लीव पिंचेस का ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछले वीडियो में काट किया है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप जो भी पार्ट को सिलाई करना है उसी पार्ट को रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले फ्रंट पर सिलाई करूँगी। तो ये देखिए, मैं पहले फैब्रिक में सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर फैब्रिक में सिलाई करना है उसी तरीके से अस्तर में भी सिलाई करूँगी। और इसको देखिए, पिंचेस का ये इस तरह से रहेगा। तो इसको देखिए, मैं नीचे की तरफ से इस तरह से मिला कर लूँगी और आमहुल के साइड की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम इसको काट लगा लूँगी। यहाँ पर देखिए, सिलाई करने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई किया है। तो अभी ठीक सेम तरीके से मैं अस्तर में भी सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ से हम हल्का सा इस तरीके से काट लगा लूँगी, देखिए। तो अभी देखिए, अस्तर में भी हम सिलाई कर लिया है। तो अभी हम पेट लगाने के लिए बस पॉइंट के लिए मेजरमेंट देना है। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि ये ब्लाउज 36 साइज़ है तो इसका बस पॉइंट है, देखिए 9.5 इंच तक इसका बस पॉइंट आता है और हाफ इंच सिलाई के लिए है। तो टोटल हम 10 इंच का बस पॉइंट लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से बराबर बिल्कुल काप को इस तरह से उंगली से थोड़ा खींच कर पकड़ना है और यहाँ से मैं पिंच ही पिनअप कर लूँगी। तो ये दूसरा साइड की तरफ से भी देखिए, बिल्कुल बराबर लेना है, नहीं तो एक कप ऊपर की तरफ हो जाएगा और एक नीचे की तरफ से हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखकर यहाँ पर इस कप को लगाना है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने पिंच ही पिनअप करने के बाद यहाँ पर बराबर हम मेजरमेंट लेकर देखना है दोनों साइड की तरफ से ठीक है कि या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको सिलाई लगाऊंगे। ये देखिए, सिलाई बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, कोई भी सिलाई करने में यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सिलाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए, पेट को अटैच करने के बाद ब्लाउज का फैब्रिक को हम सीधा साइड की तरफ से रखूँगी और अस्तर का फैब्रिक को भी सीधा साइड की तरफ से इस तरह से बराबर मिलाऊँगी। तो उसके बाद देखिए, हम पिंच ही पिनअप कर लूँगी। हम यहाँ पर बूट नेक में नेक पुट्टी नहीं लगाऊँगी, दोनों फैब्रिक को एक साथ सिलाई कर लूँगी, फिर इसको हम सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। सिलाई करने के बाद अभी देखिए, नेक को हम छोटा छोटा इस तरीके से काट लगाना है। इस तरीके से काट लगाने से पलटने के बहुत आसान होता है और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आता है। तो उसके बाद हम फिनिशिंग सिलाई लगाऊंगी अस्तर के साइड की तरफ से। ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के साइड की तरफ से कभी भी फिनिशिंग के लिए सिलाई नहीं लगाना है। तो अभी देखिए, हम सीधा साइड की तरफ से पलट लेना है। ये देखिए, ये सीधा साइड की तरफ से मैंने पलट दिया है। उसके बाद देखिए, हमें नेक में और एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए,
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लाउज का मेन फैब्रिक के ऊपर से हमें और एक सिलाई लगाना है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड की तरफ से सिलाई लगा लिया। अभी यहाँ पर देखिए कमर की साइड की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको देखिए काट कर लिया। तो अभी देखिए मैं कमर से एक सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर लेना है। मैं यहाँ पर मिडल से सिलाई करूँगी। यहाँ से देखिए फिर देखिए यहाँ से भी सिलाई कर जितना तक हमें मिडल में सिलाई किया है मिडल तक हम सिलाई कर यहाँ पर धागा को काट कर लूँगी। तो अभी देखिए आमहुल का साइड की तरफ से हमें एक पीको कर लूँगी। यहाँ से देखिए तभी देखिए दोनों आमहुल का साइड की तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखिए फ्रंट पर सिलाई कर लिया। अभी हम देखिए बैक पर सिलाई करूँगी। ये देखिए बैक पर के साइड की तरफ से हुक रहेगा। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर मिला कर लूँगी अस्तर और फैब्रिक को। तो यहाँ पर भी देखिए बैक साइड की तरफ से हमें नेक पुट्टी नहीं चाहिए। बिना नेक पुट्टी से हम यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी देखिए नेक को छोटा छोटा काट लगा लेना है। तो ये देखिए सीधा साइड की तरफ से पलट लिया है। उसके बाद हम हुक पट्टी सिलाई करूंगी। इसको देखिए मैं उल्टा साइड की तरफ से रखूंगी और सीधा साइड की तरफ से पलट लूंगी। जिस साइड में हुक पट्टी बड़ा साइज है उसी साइड की तरफ से हमें हुक का घर बनाना है और जिस साइड में छोटा साइज हुक पट्टी है इस साइड में हमें हुक सिलाई करना है। उसके बाद देखिए हमें हुक पट्टी के साइड की तरफ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाना है। तो फिर देखिए यहां से इस साइड की तरफ से इस तरह से फुल करके सिलाई करूंगी। देखिए तभी देखिए हम सीधा साइड की तरफ से इस तरीके से टू फुल कर लेना है। देखिए तभी यहाँ पर देखिए इस सिलाई को बहुत ध्यान में रखकर सिलाई करना है। ये सिलाई ब्लाउज का फैब्रिक के साइड की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर हाफ इंच का लगभग हम यहाँ से और एक सिलाई लगाओगे जिससे कि हुक अगर हम सिलाई करने के टाइम में ये हुक अगर सीरियल बाय सीरियल रहो। फिर यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से दांत सिलाई करना है। इसको देखिए मैंने टू फुल कर लिया और टू फुल में हमें हाफ इंच लिया है और ऊपर की तरफ उठाना है। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उठा रही हूँ 4.5 इंच तक उठा लिया। यहाँ पर देखिए दोनों साइड का सिलाई कर लिया है। तो अभी देखिए अमूल का साइड की तरफ से हम यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। फिर देखिए यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से बराबर मिलाकर देखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए नेक में हम जो डिजाइनिंग बनाना है इससे हम बनाओगे। देखिए इसमें देखिए मैं टोटल 5 इंच तक यहाँ पर काट किया है और इसको देखिए मैंने टू फुल करके यहाँ से सिलाई कर लूँगी।
सिलाई कर लिया है, तो अभी इसको हम सीधा साइड की तरफ से देखिए पलट लिया। तो पहले देखिए बैक साइड की तरफ से हमें कच्चे सिलाई लगाना है, जहाँ पर हमें हुक सिलाई करना है वहाँ पर। जिस तरीके से हम यहाँ पर नेक डिजाइन बनाना है, नेक डिजाइन बनाने में ये बहुत आसान होगा इस तरीके से कच्चे सिलाई लगाने के बाद। तो अभी हम देखिए यहाँ पर नेक डिजाइन सिलाई करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करना है। देखिए तो अभी दूसरा साइड की तरफ से भी इस तरह से बराबर मिलाकर सिलाई करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं काट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए बुटाम से हम डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर सुई से सिलाई करूँगी हाथ से। तो अभी मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को पहले ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद ही हम बुटाम का डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद हम स्लिप सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पॉप स्लिप है। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप को मिडल से थोड़ा सा काट कर निशाना देकर रखा है। उसी निशाना के हिसाब से मैं यहाँ पर इस तरह से बराबर मिलाऊँगी। तो यहाँ से मैं प्लेट डालूँगी, एक के ऊपर एक यहाँ पर प्लेट डालना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड की तरफ से सिलाई कर लिया। अभी देखिए पॉप स्लिप में दूसरा साइड की तरफ से यहाँ पर देखिए किनारे से मिला कर लूँगी, और उसमें मैंने थोड़ा सा काट का निशाना लगा कर रखा है। उसी निशाना के हिसाब से मैं यहाँ पर छोटा छोटा इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट डालूँगी। दोनों स्लिप को काट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस फैब्रिक को हम मिडल काट कर लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काट का निशाना लगा दूँगी। तो जहाँ से हमें मिडल काट किया है वहाँ से हम प्लेट डालना है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ से इस तरीके से छोटा छोटा प्लेट डालना है। यहाँ पर भी एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट को डालकर ही सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से प्लेट डालकर सिलाई कर लिया है। तो यहाँ अभी देखिए यहाँ से इसको सिलाई करना है। ये लेस को देखिए फिर यहाँ से देखिए इस फैब्रिक को इस तरीके से हमें अंदर की तरफ से फोल्ड करूँगी और लेस को ऊपर की तरफ रखकर हम सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड की तरफ से इस तरह से।
दोनों साइड की तरफ से स्लीव कंप्लीट है सिलाई। तो अभी देखिए इसको साइड से हम सिलाई लगाऊंगी। इसके लिए देखिए हमें मेजरमेंट नहीं लेना है, इस तरह से फैब्रिक को बराबर रखकर यहाँ से सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से क्या होता है, हम कभी भी ब्लाउज को छूटा बड़ा करने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से हम इसको छूटा बड़ा कर सकती है। उसके बाद हम कमरपट्टी सिलाई करना है। कमरपट्टी को मैं पहले किनारे से फुल करके सिलाई किया है, तो अभी हम कमर के साइड की तरफ से यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, तो कमरपट्टी को देखिए मिडल में जाने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक प्लेट डालना है। छोटा सा प्लेट नहीं डालने से क्या होगा, जब आप कमरपट्टी को उल्टा साइड की तरफ से पलट लेगा तब उसमें कपड़ा खिंचाव आ जाएगा, तो इसीलिए छोटा सा प्लेट डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कमरपट्टी सिलाई कर लिया है, तो इसको इस तरीके से अंदर की तरफ से फुल करके सिलाई करना है। देखिए चाहता आप इस सिलाई को मशीन का सिलाई भी रख सकती हो और हाथ से भी तुरपाई कर सकती हो, आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ का सिलाई को रखना है। तो यहाँ पर देखिए 36 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए चक्का निशाना के हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई करूँगी। देखिए जहाँ से हम चक्का निशाना दिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगाना है। फिटिंग्स करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें बैक साइड की तरफ से यहाँ पर बुटाम सिलाई करना है। देखिए इस तरीके से पहले हम इसको हाथ से इस तरह से सिलाई कर लूँगी सुई से। और ये बुटाम को हम यहाँ पर सिलाई करूँगी। देखिए ये देखिए सिलाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसका कटिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, चाहे तो आप चैनल में जाकर वहां से भी देख सकती है। ये देखिए बैक साइड की तरफ से इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाया है। तो फ्रेंड्स इसका सिलाई बहुत ही आसान है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसान तरीके से सिलाई कर पाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। थैंक यू।